नमस्कार, आज मैं आपका परिचय एक ऐसे दार्शनिक कवि चित्रकार और पैगंबर से कराना चाहता हूँ जो पैदा तो हुआ ऐसे देश में जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जहाँ चारों तरफ बारूदों की सुगंध बिखरी हुई है, किंतु प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध मुल्क है। उस मुल्क का नाम है लेबनान। वही लेबनान जहां यहूदियों के अनेक पैगंबर पैदा हुए। उसी भूमि लेबनान में पैदा हुआ ये खलील जिब्रान, इसकी एक रचना द मैडमैन से आपको मैं परिचित करवाऊंगा। इसके पहले कुछ शब्द खलील जिब्रान के जीवन से। 1883 में सीरिया के लेबनान प्रांत में उसका जन्म हुआ और जिस नगर में उसका जन्म हुआ उसका नाम बशीरी है। 12 साल की आयु में ही उनके पिता उनको लेकर यूरोप निकल पड़े। कारण था उस देश में फैली हुई अशांति के कारण। यूरोप से वापस आकर उन्होंने खलील जिब्रान को बेरूत नगर के मदरसत अल हिकमत नामक प्रसिद्ध विद्यालय में दाखिला दिलाया, किंतु देश की खराब दशा को देखकर फिर वो 1903 में अमेरिका चले गए और इसके बाद 5 वर्ष तक उन्होंने अमेरिका में अध्ययन किया। तत्पश्चात फ्रांस गए। जिब्रान ने चित्रकला का अध्ययन पेरिस में किया और सन 1912 में फिर से वो लौटकर अमेरिका चले आए। सीरिया में रहकर उन्होंने अरबी भाषा में कई सारी पुस्तकें लिखीं और जिनका काफ़ी आदर सम्मान हुआ, किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपने लेखन को आंग्ल भाषा की तरफ शिफ्ट किया और 1918 में उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया। उनके अनुवाद दुनिया की लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में हुए। 20वीं शताब्दी के दांते के नाम से खलील जिब्रान को जाना जाने लगा और उनकी एक बड़ी विशेषता ये है कि उनकी पुस्तकों पर बनाए जाने वाले चित्र उनके स्वयं के बनाए हुए हैं। ये एक दुर्लभ संयोग है। खलील जिब्रान की तुलना अमेरिका के महान कलाकार अगस्त रोडिन और विलियम ब्लैक से की जाती है। कहा जाता है कि रोडिन ने जिब्रान से अपना चित्र तक बनवाने की इच्छा प्रकट की। जिब्रान की पहली कृति द मैडमैन जैसे ही साहित्य की दुनिया में आई उसकी इतनी ख्याति बढ़ी कि मात्र अपनी एक पुस्तक से खलील जिब्रान के रूप में पहचाना जाने लगा। खलील जिब्रान के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें जो कि अंग्रेज़ी और अरबी में हैं उनके थोड़े विवरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। द मैडमैन 1918 में, 20 पिक्चर्स 1919 में, द फॉर रनर 1920 में, द प्रॉफिट 1930 में, सैंड एंड फोम 1926 में, सीक्रेट ऑफ द हार्ट, स्प्रिट रिवेलियस, जीसस द सन ऑफ मैन 1928 में, द अर्थ ऑफ गॉड 1931 में, द वांडरर 1932 में, द गार्डन ऑफ द प्रॉफिट 1933 में, टीयर्स एंड लाफ्टर 1934 में। यद्यपि खलील जिब्रान
10 अप्रैल 1931 को मात्र 48 वर्ष की अवस्था में ही इस चले गए, किंतु फिर भी उनके विचार शांति, मनुष्यता और विश्व बंधुत्व का संदेश हमेशा इस धरा पर गूंजते रहेंगे। मैडमैन को पढ़कर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही देश में पैदा हुए किसी ऋषि की आवाज सुन रहे हैं। मित्रों, यह अद्भुत आश्चर्य का विषय नहीं कि एक आयरिश कवि ने खलील जिब्रान की तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है। जिब्रान की बातों में, उनकी शैलियों में एक ऐसा दर्शन है। जिब्रान की लेखनी किसी मरुस्थल में मरुद्धान जैसी है। उनकी कुछ लाइनों को आपके सामने रख कर फिर हम लोग उनकी रचना द प्रॉफिट और द मैडमैन इत्यादि को देखेंगे। जिब्रान लिखते हैं, संसार जिंदगी की मुसीबतों और हृदय की पुकारों से नहीं, अपितु जीवन के आंसुओं और हास्य के संगीत से परिपूर्ण होगा। जरूर एक दिन ऐसा आएगा। साथ ही वो कहते हैं कि प्रेम के मूल्य, आंसुओं के आनंद तथा मृत्यु के संगीत की जब पहचान मनुष्य को होगी, तभी एक बेहतर और अच्छा संसार बन सकेगा।